आज हम पढ़ेंगे कृषि। ठीक, आज का टॉपिक है आपका कृषि और आपका चैप्टर भी है कृषि। तो कृषि क्या होती है, कोई बताएगा कृषि क्या है? खेती। खेती तो वही है एग्जैक्टली, जो इसका मतलब है कृषि खेती है। लेकिन कृषि भारत में अगर देखते हैं, भारत के जो बहुत से व्यवसाय हैं, भारत में जो लोगों के जीविका के साधन है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? कृषि कृषि। विश्व में भारत किस दृष्टि से देखा जाता है? तो वो दृष्टि है कृषि की दृष्टि। एग्रीकल्चर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए बाहर बाहर से बच्चे इंडिया में आते आते हैं, हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। अब देखो कृषि की बात करते हैं, तो कृषि कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से तो देखते हैं कृषि सिर्फ दो प्रकार की होती है, लेकिन उसमें भी बहुत से प्रकार होते हैं। तो पहले मुख्य प्रकार देखते हैं। एक प्रकार हो गया निर्वाह कृषि। कौन सा? निर्वाह कृषि। एक कृषि हो गई आपकी, दूसरे प्रकार की व्यापारिक। ठीक, अभी हम बताते हैं व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि से क्या मतलब है। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि दो मुख्य प्रकार की कृषि होती है। निर्वाह कृषि नाम से कुछ समझ में आ रहा है? जो अपने निर्वाह करना, क्या करना? निर्वाह यानी करना। गुजारा करना बस। तो निर्वाह कृषि ऐसी कृषि होती है जो पहले की जाती थी बहुत ज्यादा। अगर बात करते हैं उस टाइम जब लोगों के लिए मुद्रा पैसा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं नहीं था, लेकिन आज के टाइम में तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग व्यापारिक कृषि करते हैं। सिर्फ निर्वाह कृषि से जीवन यापन अब नहीं किया जा सकता। देखो निर्वाह कृषि का मतलब ये होता था कि साल भर में इतना बो लिया जाए, इतनी फसल उगा ली जाए जिसको हम बस खा सके, सके। हमें उसे मार्केट में ले जाके बेचना नहीं, नहीं है, बस निर्वाह करना है अपना और अपनी फैमिली का, अपने परिवार का बस निर्वाह करना। उसे कौन सी कृषि कहते हैं? निर्वाह। जिस कृषि में कोई भी व्यापारिक काम नहीं होता, यानी उस कृषि को अगर हम चाहे उस फसल को मंडी हम नहीं ले जाएंगे, उसे मार्केट में हम बेचेंगे नहीं, बस इतना हमने फसल उगा ली है कि उसको हम साल भर रख के खा सकें, तो ये कौन सी कृषि होती है? निर्वाह कृषि होती है। अब देखो व्यापारिक कृषि बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। वो कृषि जिसका उद्देश्य ही होता है मार्केट में बेचना, यानी व्यापार करना। ठीक, निर्वाह कृषि वो कृषि होती है जिसका उद्देश्य केवल अपना खाना है साल भर तक, या जितने भी टाइम हम खा सकते हैं। और व्यापारिक कृषि का उद्देश्य एम क्या होता है? मार्केट में हमें बेचना है, मंडी में हमें बेचना है, हमें उससे धन अर्जन करना है, धन हमें प्राप्त करना है। किससे? व्यापारिक कृषि में। तो ये मुख्य दो प्रकार की कृषि होती है, व्यापारिक और निर्वाह कृषि। अब देखो यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट भी है आपका। झूम कृषि क्या होती है? देखो झूम कृषि आपकी, झूम से कुछ नाम से समझ में, झूम झूम के करना, हिल हिल के, एक जगह पे स्टेबल स्थाई नहीं नहीं होना। तो झूम कृषि वो कृषि होती है जो स्थान परिवर्तित करके की जाए, या चेंज करके बदल के कर की जाए। वो कृषि कौन सी कृषि होती है? झूम कृषि होती है। जैसे कि आज यहाँ पे कृषि की गई, फसल उगाई गई, और आज यहाँ पे कटाई करने के बाद इस जगह में आग लगा दी गई और फिर दूसरी जगह चले गए। जो छोटे छोटे पराली जलती है हरियाणा में, आपने सुना, या बहुत से गांव में आप जब जाते हो, जब फसल कट जाती है तो खेत जला जला लगता है, वो जो छोटे वाले जो लास्ट में बचते हैं उनको क्या कर दिया, काटते नहीं, उनको जला देते हैं। तो झूम कृषि में क्या किया जाता था कि उस जगह पे दोबारा खेती नहीं की जाती। जैसे 2 साल 3 साल वहां पे खेती कर ली, कृषि कर ली, फिर वहां पे आग लगा दी और फिर वहां से चले गए। तो एक जगह पे नहीं कर रहे, हर जगह चेंज कर रहे, तो वो कौन सी कृषि हो गई? झूम कृषि। निर्वाह कृषि कौन सी कृषि हो गई? जो अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए की जाए। व्यापारिक कृषि कौन सी कृषि हो गई? जो जिसका देश मार्केट में बेचना या व्यापार करना। देखो झूम कृषि का यहाँ पे है, ये कृषि मैक्सिको, मध्य अमेरिका और आपके ब्राजील में की जाती है, मध्य अफ्रीका में भी की जाती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक निश्चित स्थान नहीं होता, स्थान परिवर्तित होता रहता, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब देखो गहन जीविका कृषि क्या होती है? उन क्षेत्रों में इस तरह की कृषि की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इस श्रम गहन कृषि में अधिक उत्पादन की प्राप्ति के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, यानी फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कीटनाशक। आपने बहुत से कीटनाशकों के नाम सुने होंगे जिनके छिड़काव करने से जो हमारे फसल है उस पर कीड़े नहीं लगते, उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी,
पहले जितनी ग्रोथ होती थी उससे दुगनी हो जाएगी, तीन गुनी हो जाएगी। ये कृषि गहन निर्वाह कृषि आपकी होती है, गहन जीविका कृषि होती है आपकी। क्यों? क्योंकि इस कृषि पे बहुत सी पब्लिक जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। अब मान लो कि किसी जगह को, एक ऐसा गांव है छोटा सा, हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, एक छोटा सा गांव है जहाँ पे बहुत लोग हैं, वहाँ पे इतने लोग हैं, 50,000 लोग वहाँ पे रहते हैं उस गांव में, एक एग्जांपल लेते हैं। अब वो 50,000 लोगों के खाने के लिए कम से कम अनाज भी अच्छा खासा होना चाहिए, लेकिन पहले जो अनाज होता था वो सिर्फ 10 क्विंटल होता था, लेकिन वो अनाज साल भर 50,000 लोगों के खाने के लिए अवेलेबल नहीं था, उनको और ज़्यादा चाहिए। अब वो 50,000 से और बढ़ेंगे, जनसंख्या उनकी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो वो 50 से 52, 55, 60 हो सकते हैं, तो खाद्यान्न भी बढ़ना चाहिए। क्या वो 10 क्विंटल में साल भर तक नहीं खा सकते? तो वहाँ पे गहन जीविका कृषि होगी, यानी बहुत गहन का मतलब होता है गहन अध्ययन करना, बहुत दिल लगा के ध्यान से अध्ययन करना। उसी तरह गहन जीविका कृषि, जहाँ पे बहुत ध्यान से जो कृषि की जाए, जहाँ पे ना केवल प्राकृतिक बल्कि मानव निर्मित, मानव निर्मित क्या हो गए, अगर कीटनाशक यूज हो रहे हैं तो मानव द्वारा ही है, सिंचाई के नए नए साधन यूज हो रहे हैं तो मानव द्वारा ही है। अगर आपने सुना है भारत में सबसे ज्यादा जो हम लोग डिपेंडेंट किस पे होते हैं, बारिश पे कि जो फार्मर है वो किस पे डिपेंडेंट होता है भारत में, किसान बारिश पे। अगर बारिश नहीं हुई तो उसकी फसल खराब, तबाह और बर्बाद हो गई। लेकिन गहन जीविका कृषि में भगवान भरोसे नहीं बैठते, सिंचाई के नए नए अवसर ढूंढा जाता है और अपनी फसल को कीटों से और जो खतरनाक कीट है उनसे बचाने के लिए कीटनाशकों फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी फसल बर्बाद नहीं होती और उन्नत और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर पहले 10 क्विंटल हो रहा था तो गहन जीविका कृषि के बाद वो 20 क्विंटल या 30 क्विंटल हो जाता है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। एक चीज, किसी भी चीज का पॉजिटिव वे होता है तो निगेटिव भी होता है। तो अगर इसमें देखते हैं, ये तो आपके चैप्टर में नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ, इस कृषि से हमें जो भी खाद्यान्न मिलते हैं वो सही नहीं होते। आपने न्यूज में या अक्सर देखा होगा कि रात में छोटी सी लौकी थी उसमें इंजेक्शन लगाया वो इतनी बड़ी हो गई। फल इतने फ्रेश आते हैं, एकदम आम सेब कुछ ऐसे एकदम शाइन करते रहते हैं, ऐसे लगता है उन पे पेंट हुआ है। ये फल और ये अगर देखते हैं खाद्यान्न की चीजें इतनी अच्छी कैसे रह जाती हैं? सुबह से शाम तक में तो उनको खराब हो जाना चाहिए, लेकिन वो शाइन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे कीटनाशकों का छिड़काव इतना ज्यादा किया जाता है और वही कीटनाशकों के छिड़काव की जो फल है हम उसको क्या करते हैं, खाते हैं, तो हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा होगा नहीं। बहुत से कीटनाशक ऐसे हैं जो विश्व में, पूरी दुनिया में बहुत से देशों ने बैन कर दिए हैं, लेकिन इंडिया में वो चीज आज भी यूज हो रही है, चल रही है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कि पहली कौन सी कृषि थी, निर्वाह व्यापारिक झूम, और इसके बाद गहन जीविका कृषि। गहन यानी बहुत ध्यान लगा के, जिसमें रासायनिक पदार्थों का यूज हो रहा है, कीटनाशकों का यूज हो रहा है, सिंचाई के नए नए साधन यूज किए जा रहे हैं, वो कृषि हो गई। अब देखो यहाँ पे आ गया वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। वाणिज्यिक कृषि भी कुछ वैसी होती है व्यापारिक, लेकिन यहाँ पे व्यापारिक कृषि और वाणिज्यिक कृषि में एक छोटा सा अंतर है। व्यापारिक कृषि का उद्देश्य जो होता है वो सबको मार्केट में ले जाके बेचना होता है, लेकिन वाणिज्यिक कृषि में गेहूं चावल नहीं आता, लेकिन व्यापारिक कृषि में ये आते हैं, गेहूं चावल भी आते हैं। वाणिज्यिक कृषि भी एक व्यापारिक कृषि की तरह होती है, लेकिन इसमें अगर बात करते हैं रबड़ की जो फसल हो गई, या अगर हम देखते हैं कि इसमें आपकी कॉफी हो गई, चाय हो गई, इस पे बिजनेस बहुत ज्यादा होता है और कीमत भी बहुत ज्यादा मिलती है। चाय से मुझे एक चीज याद आई, मैं बता दूं कि चाय की खेती क्यों जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे नहीं होती, सीढ़ीदार खेतों में ही क्यों होती। सीढ़ीदार खेत कभी देखे हैं? सीढ़ीदार, हाँ, पहाड़ों पे सीढ़ीदार खेत होते हैं, जैसे आपके घर में सीढ़ियां होती हैं वैसे वहां पे पहाड़ों को काट के सीढ़ियां बनाई जाती हैं, जो ये खेत उसी पे होते हैं। ठीक, तो सीढ़ीदार जो खेत होते हैं उस खेतों पे जो कृषि होती है वो कौन सी कृषि होती है, चाय या कॉफी की। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें क्या होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं। चाय या कॉफी की जड़ें क्या होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं। अगर इनमें हद से ज्यादा पानी मिल गया तो ये सड़ जाएंगी, और कम पानी मिला तो ये सूख जाएंगी। तो इसलिए इनकी खेती कहाँ पे की जाती है, पहाड़ों पे सीढ़ीदार खेत बना के। आपने अपने घर की सीढ़ियों को कभी धोते हैं, पानी ऊपर से अगर पानी गिराया तो आप देखते हैं पानी नीचे पहुंच जाता है, लेकिन हर सीढ़ी गीली भी हो जाती है,
मतलब हर सीढ़ी पे पानी पहुंच भी जाता है और वो पानी नीचे चला जाता है। जितना पानी चाहिए होता है सीढ़ी को गीला करने के लिए उतना पानी वहाँ पे चला जाता है और बाकी सब नीचे बह जाता है। तो सीढ़ीदार जो कृषि की जाती है वहाँ पे खेत बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है, जब बारिश होती है या पानी डाला जाता है तो वो पानी ऊपर से जब छोड़ा गया या बारिश हुई ऊपर से पानी गिर रहा है तो जितना चाहिए जड़ों को उतना पानी मिल गया और बाकी पानी नीचे चला गया, यानी सरक गया। ढालदार ऐसे खेत होते हैं जो ढालदार होते हैं कि ऊपर से पानी आया और नीचे चला गया। ये इसीलिए चाय और कॉफी की खेती ज्यादातर कहाँ पे होती है, असम में होती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पे जहाँ पे ढाल बनाई जा सके, मैदानी क्षेत्रों में ये कृषि नहीं हो सकती क्योंकि अगर बारिश ज्यादा हो गई तो पानी ज्यादा हो गया तो जिससे जड़े सड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि चाय और कॉफी की खेती क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती है। ठीक, वाणिज्य कृषि मैंने बता दी, वो कृषि होती है जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, जिनसे बहुत ज्यादा आमदनी कमाई जा सकती है, वो वाणिज्य कृषि होती है। अब देखो यहाँ पे तीन फसल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें। रबी की फसल क्या होती है, शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर, यानी जाड़े के मौसम में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जब मानसून चला गया, मानसून सितंबर में चला जाता है ना, जून में आता है सितंबर में चला जाता है, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर के महीने में जो भी फसल बोई जाती है वो फसल आपकी रबी की फसल कहलाती है। ठीक, रबी की फसल कौन सी है, जो अक्टूबर से दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन तीन महीनों में जो भी फसलें बोई जाती हैं वो आपकी रबी की फसल। इसमें है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। गेहूं की फसल अगर पूछा जाए गेहूं रबी की फसल है तो आप कहेंगे हाँ गेहूं रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी होती है, जो फसल अक्टूबर से दिसंबर, रबी की फसल कौन सी है जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है, कौन सी फसल, रबी की फसल, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है, जिसमें कौन कौन से नाम है, गेहूं है, चना है, सरसों है, बाजरा है, ये फसल आपकी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। अब बात करते हैं खरीफ की फसल क्या होती है, ठीक, ये कौन सी है, खरीफ की फसल होती है। ये खरीफ की फसल आपकी बोई जाती है जैसे ही भारत में मानसून हमारा इंटर करता है, यानी अगर बात करते हैं कि जाने की ही तर्ज पे होता है सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में, सितंबर में हमारा मानसून चला जाता है। ठीक है, तो सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में जो फसल बोई जाती है वो कौन सी होती है, खरीफ की। अच्छा ये बताओ गेहूं रबी की है या खरीफ की, रबी की फसल। अब देखो इसमें हम देखते हैं, इसमें चावल है, मक्का है, ज्वार है, कपास है, जूट है, मूंगफली है, इतने क्वेश्चन नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गेहूं और चावल की, कि गेहूं किसकी फसल है और चावल खरीफ की है और गेहूं रबी की है। ठीक, कुछ नाम और लिख लो, चावल, मक्का, बाजरा, कपास, चावल, मक्का, बाजरा, कपास, ठीक, मूंगफली, ठीक, ये सब आपकी खरीफ की फसल है। रबी की फसल मैंने बताया था अभी, गेहूं, सरसों, चना, ठीक, ये कौन सी है आपकी, रबी की फसलें। अब देखो जायद की फसलें क्या होती हैं, जायद सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है खरीफ और रबी, लेकिन जायद की फसलें होती हैं। रबी और खरीफ की फसल ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को, यानी रबी और खरीफ के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं, यानी गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं वो जायद की फसलें होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में याद रखना, कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं वो जायद की फसलें होती हैं। इसमें सबसे है तरबूज, हरी सब्जी, ये सब कौन सी फसलें हैं, जायद की, हरी सब्जियां और तरबूज वगैरह जो हो गए ये कौन सी फसलें हैं, जायद की। तो हमें समझ में आया रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है, जायद की फसल क्या है, निर्वाह कृषि क्या है, झूम कृषि क्या है, व्यापारिक कृषि क्या है, और कौन सी कृषि पढ़ा है, गहन जीविका कृषि पढ़ा है हमने, और हमने वाणिज्यिक कृषि पढ़ा। वाणिज्यिक कृषि में मैंने बताया चाय, कॉफी हो गई आपकी,
और गन्ना हो गया आपका, और रबड़ हो गया आपका, चाय और कॉफी की खेती क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है ये भी समझ में आ गया। तो आज हमने कृषि में इतना पढ़ लिया, आगे का हम कल पढ़ते हैं, ठीक है।